अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छे बाल और खूबसूरत बाल हमारी ईस्टर्न ब्यूटी का एक सिंबल समझे जाते हैं, और आपके बाल अगर खूबसूरत और हेल्दी हैं तो आपकी शख्सियत को चार चांद लग जाते हैं। हेयर केयर की जहाँ बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से दूर रखा जाए। जितना इंटरेक्शन जो है केमिकल से ज़्यादा होगा, उतने बालों की रूट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग, केमिकल वाले शैम्पू ज़्यादा और कंडीशनर, तो ऐसे बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक मास्क शेयर कर रही हूँ जो ऑल नेचुरल है, बालों को इंस्टेंट शाइन देगा और आपके बालों में बाउंस लाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले बनानास चाहिए, दो राइप बनानास। लेंथ अगर कम है तो आप एक ले लें। उसके बाद ऑयल कोई भी आप ले लें, आलमंड, कोकोनट, ऑलिव। उसके बाद ये एलोवेरा जेल है, एक बड़ा चम्मच। लीम का रस ये भी दो चम्मच लिए, और दही 3 टेबल स्पून। ये मास्क जो है आपके बालों में इतनी सॉफ्टनेस और इतनी शाइन पैदा करेगा कि आपको खुद अपने बाल जो हैं वो बहुत डिफरेंट लगेंगे पहले से। सबसे पहले एक जार ले लें, उसके अंदर अपने बनानास जो हैं वो दो हम डाल देंगे। ये मास्क जो है वो मुकम्मल नरिशमेंट आपके बालों को देगा, क्योंकि बनाना जो है वो बहुत सॉफ्टनेस और शाइन लेके आएगा। उसके बाद तेल ऐड करना है जो हमने, और एलोवेरा जेल है, लेमन है, लेमन जूस और दही, ये सारे जो है हमारे बालों की एक तो खुश्की जो है वो ख़त्म करेंगे, और खुश्की भी मेन एक प्रॉब्लम होता है बाल गिरने का। जितने आपके बाल साफ़ और डैंड्रफ फ्री रहेंगे उतने ही जो है वो आपको बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। केले आपने सही पके हुए लेने हैं, जो नॉर्मल बनानाज है वो नहीं लेने, आपने सही जो पक जाते हैं केले वो आपने लेने हैं। और उसके बाद जो तेल है वो मैं अपना फेवरेट अनियन ऑयल डाल रही हूँ। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हैं तो कोकोनट ऑयल डालें, अगर बालों में गिरने का इशू है तो फिर आप अनियन ऑयल डालें, बादाम का आलमंड ऑयल वो डाल सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल डालें, उससे भी बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आएगी। और अगर आपके बाल ऑयली हैं तो फिर ऑयल आप स्किप ही कर दें, वो ना डालें। अब मैं ये ब्लेंडर ले लूँगी, इसके साथ मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने ब्लेंड नहीं करना है इसको, इसका शेक नहीं बना देना, बस लाइट सा ये जब मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद इसको एक छलनी से हम छान लेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा मास्क जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा सा और बहुत प्लेन मास्क बन जाता है, कोई बनाना के कोई पार्टिकल्स बालों में रह नहीं जाते हैं, और बिल्कुल एक साफ़ सुथरा सा पेस्ट बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो छान लेना है एक छलनी के अंदर से। कोई मोटा कपड़ा या नेट का वो भी आप ले सकते हैं, उसमें से भी आप छान सकते हैं। इस तरह से इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी होती है बालों में। अगर आप हाथ से फेंट रहे हैं तो भी बहुत अच्छे से फेंट लें, और फिर उसको बाद इसी तरह से इसको छान लें। ये देखें, इस तरह से सारा मैंने छान लिया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जो दही हमने ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे, 3 चम्मच भर के बड़े। अब बालों की लेंथ के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी आप काट सकते हैं। उसके बाद लेमन जूस, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये आपके जो बालों की बहुत अच्छी तरह से ये कंडीशनिंग करेगा। उसके बाद जो ऑयल है ये मैं अपना अनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप आपके पास अगर नहीं है ये तो आप दूसरा कोई भी ऑयल यूज़ कर लें। उसके बाद एलोवेरा जेल, ये इसके अंदर जाएगी। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों में बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस और बहुत इसको डिहाइड्रेट करती है बालों को। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम डाल देंगे, और सब कुछ डाल के हम इस अपने मास्क को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मास्क आप अगर आपके बाल बहुत ही रफ़ हो रहे हैं, या जैसे आजकल मौसम भी इस तरह का है, बाल उड़े उड़े रहते हैं और मैनेज नहीं होते हैं उनको, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करें, एंड यू विल लव योर हेयर। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई या डैमेज नहीं है और नॉर्मल हैं तो फिर आप एवरी सेकेंड वीक इसको ज़रूर यूज़ करें। इससे ये होगा कि बड़े अच्छे से ये आपके बाल बगैर किसी स्ट्रेटनर के और बग़ैर कंडीशनर के आपके बाल जो है वो इतने खूबसूरत और इतने सॉफ्ट रहेंगे, और आपको एक एप्लीकेशन के बाद ही इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह नज़र आएंगे। आप जो है एक दफ़ा इसको यूज़ करें और आप फौरन देखेंगे कि कितने आपके जो बॉल हैं वो बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको लगाएंगे एक वीक, एवरी वीक लगा लें, एवरी सेकंड वीक लगा लें, तो आपके बालों में बहुत ही ये जो है चेंज आएगा। चलिए आप भी इसको बनाइएगा, ज़रूर लगाइएगा, एंड इंशाल्लाह मैजिक विल हैपन। और अपने बालों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।